केमिस्ट्री की दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक टेबल में अरेंज किया गया है, और उस टेबल को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स रिएक्टिव होंगे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट रिएक्टिव नहीं होते हैं। जो भी एलिमेंट रिएक्टिव होगा उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसे पहले समझा जाए कि किसी भी एलिमेंट को हम रिएक्टिव क्यों कहते हैं। देखें, सपोज कर ले हमारे पास एक एलिमेंट है, दैट इज सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस 11 हैं और उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। अब बात यह आता है कि जब हम इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले सेल में यानी कि एल सेल में 8 और एम सेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब बोर का एक थ्योरी है जिसे हम लोग कहते हैं बोर वरी थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कोई भी एलिमेंट अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट स्टेबल कहलाता है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम अनस्टेबल एलिमेंट कहते हैं। तो जो भी एलिमेंट अनस्टेबल होता है, जो भी एलिमेंट अनस्टेबल होता है वो एलिमेंट चाहता है कि वो खुद को स्टेबल कर ले। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसे लास्ट वाले सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना होता है, और अपने इसी 8 इलेक्ट्रॉन्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसे पूरा करने के लिए ही अलग अलग एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिनके लास्ट वाले सेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट है वे कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब बात यह आता है कि क्या सारे एलिमेंट्स सेम रेट से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं क्या? तो ये बात आता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है वो डिफरेंट डिफरेंट रेट के साथ, डिफरेंट डिफरेंट रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। सारे एलिमेंट का रिएक्शन रेट सेम नहीं होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक सीरीज में सेट किया गया है, और उस सीरीज को हम कहते हैं, उस सीरीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और इस सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं और इन मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव होने का सिंपल अगर मतलब समझना है तो जो एलिमेंट जल्दी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर लेता है अपने आप को उसे हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और जो कंपेरेटिवली थोड़ा लेट से या उतनी जल्दी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता तो उसे हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो हम जो अभी एक टेबल लिखने वाले हैं उस टेबल में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग ऑर्डर में, उनके रिएक्टिविटी के असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया है। तो वो टेबल जो हमारा है वो कुछ ऐसा है। देखें, इसमें
सबसे पहला पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो पोटेशियम है, सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इस टेबल के अकॉर्डिंग। अगर हम इस टेबल को देखें तो ऊपर से नीचे की ओर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सेट किया गया है। यानी कि सबसे पहला वाला एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट आपको दिख रहा है यानी कि गोल्ड, ये सबसे लेस रिएक्टिव है। तो बात ये है कि सर आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताने वाले थे, लेकिन अब कहाँ ये एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके रिएक्टिविटी, इन सब में चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो बेस है वो यही रिएक्टिविटी सीरीज ही है। तो इसे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस टेबल को याद करने का एक ट्रिक है, मैं आपको वो ट्रिक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस ट्रिक से ये पूरे रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा समस्या के। तो अब जब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को समझ चुके हैं, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या जैसे हम लोग सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ये क्या होता है। वैसे वैसे रिएक्शन जिसमें कोई एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो दूसरे किसी एटम को डिस्प्लेस कर देता है किसी केमिकल रिएक्शन में, और इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हमारा हो रहा है और उस रिएक्शन में एक एलिमेंट या एक एटम दूसरे किसी एटम को डिस्प्लेस करके अपने आप को उस जगह पर प्लेस करता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो Fe को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो ये क्या करता है। हम अगर इसको रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन इस प्लेस पर है और कॉपर का जो प्लेस है वो कुछ यहां है। तो मैं कह सकता हूं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो इस जगह पर क्या होगा कि आयरन जो है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद को सल्फेट के साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना लेगा एंड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन जब हम देखने के लिए मिलेगा हमें, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां देख पा रहे हैं कि एक एटम एक कंपाउंड में से दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर दिया और खुद को उस कंपाउंड से कंबाइन करवा करके एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, नाम ही काफी अच्छा है कि डिस्प्लेस करता है। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड क्रिएट करता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम तीन तरीके से बांटते हैं। पहला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे एग्जाम्पल हमने अभी देखा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल, लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एंड द लास्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय एक्टिव मेटल्स। हम इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे कि इन तीनों में हम रिएक्शन को कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय अ मोर एक्टिव मेटल। तो इसे समझने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। तो हमारा टेस्ट ट्यूब जो है उसे हम भर देते हैं
फील कर देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का होता है, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डिप कर देते हैं एक आयरन नेल को, और वो आयरन नेल बिल्कुल क्लीन है। इस आयरन नेल को हम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। कुछ समय इसे अगर हम अनटच्ड छोड़ दें तो कुछ समय के बाद जो आयरन नेल का कलर है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपका जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है देखें वो पेल ग्रीन कलर का हो चुका है, और आपका जो ये आयरन नेल था जो कि एकदम क्लीन था पहले वो अब एक ब्राउन कलर के कोट से कोटेड हो चुका है। तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, जहां ये केमिकल रिएक्शन आपको कुछ इस तरह का दिखता है कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके, यानी कॉपर सल्फेट यानी कि ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैंने थोड़ा देर पहले आपको ऐसा एग्जांपल एक बताया, सेम एग्जांपल, जहां पर आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके चलते आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के डिस्प्लेस कर दिया और खुद को उस प्लेस पे पुट करके एक नया कंपाउंड क्रिएट कर दिया, और कॉपर हो गया डिस्प्लेस्ड, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया। और इस रिएक्शन में कुछ और भी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है, और वो कुछ चीजें कैसी है देखें, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट विच इज लाइट ग्रीन। तो हम जो यहां पर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट देख रहे हैं दैट इज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये एक आयरन नेल को हमने डिप कर दिया। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये आयरन नेल के ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ गया, और ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिख रहा है आपको दैट इज नथिंग बट द FeSO4 आयरन सल्फेट। और ये रिएक्शन, ये जो आपका एक प्रोसेस दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये आयरन जो है ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर से। अगर यही रिएक्शन कुछ ऐसे हम लिखते हैं, सपोज कर लें कि Cu+FeSO4 हम ऐसा अगर रिएक्टर लिखते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नो रिएक्शन होगा। ये एग्जाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर प्लस FeSO4 क्या होगा, तो आपको लिखना है एग्जाम में अगर आता है तो नो रिएक्शन, जस्ट बिकॉज कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए ये कॉपर आयरन को इस कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसके चलते ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। चले बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर टू दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव नॉन मेटल। हमने अभी देखा लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से हम कैसे डिस्प्लेस करें। तो उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, जहां पर क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन गैस को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, जिसके चलते सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म्ड। कैसा रिएक्शन हो रहा है देखें, हम यहां पर सोडियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस ये गैसेस स्टेट में है, क्लोरीन गैस के साथ, तो हमारे पास जो नया एक सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज नथिंग बट द कॉमन सॉल्ट, यानी कि
सोडियम क्लोराइड, और एज अ बाय प्रोडक्ट ब्रोमीन बन रहा है। तो ये तो इस रिएक्शन का एक ब्रीफ था, लेकिन इसमें हो क्या रहा है उसे समझते हैं। देखें यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड जो है और क्लोरीन, अगर हम बात करते हैं कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। और ये नॉन मेटल इस सोडियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद को उस जगह पर रख करके एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है, और ब्रोमीन हो जा रहा है डिस्प्लेस्ड, ब्रोमीन हो जा रहा है डिस्प्लेस्ड। इससे एक बात पता चलती है कि ये क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। एक और एग्जांपल के बारे में देखते हैं। देखें जब हम क्लोरीन गैस को ही पास करते हैं एक सॉल्यूशन से, और वो सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का, तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन रिलीज होता है एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई, और इसमें हम पास करवा रहे हैं क्लोरीन गैस। तो इससे जब हम देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस आयोडीन से, इस आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है ये क्लोरीन, जिसके चलते क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन इस आयोडीन को रिप्लेस करके, डिस्प्लेस करके पोटेशियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है, और आयोडीन को ये कर दे रहा है डिस्प्लेस। तो इन दोनों रिएक्शन में हम एक बात काफी कॉमन देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में। चलें अब हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय एक्टिव मेटल्स। अगर हम बात करते हैं कि हम हाइड्रोजन के बारे में, हम एक सबसे पहले जब हमने देख रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज के टेबल को, तो उसमें हमने एक बात नोटिस किया था कि उसमें हाइड्रोजन का भी प्लेस रखा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय एक्टिव मेटल्स, अगर हम किसी भी मेटल को, किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल उस एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद को उस प्लेस पर रख करके एक नया कंपाउंड क्रिएट करेगा। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए देखें कि व्हेन अ पीस ऑफ जिंक, जिंक इज मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो when zinc is added to a dilute solution of sulfuric acid, hydrogen gas is evolved and zinc sulfate is formed. इसका equation कुछ ऐसा होगा, देखें zinc plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2, where zinc is much more reactive than hydrogen, that is why इस zinc के द्वारा इस hydrogen का displacement हो रहा है, और यहाँ पर आपको एक नया substance बना रहा है, that is zinc sulfate, and hydrogen gas को release कर दिया जा रहा है। I hope ये वीडियो में जितने भी कंटेंट को मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे दोबारा अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए केमिकल इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।